उत्तराखंड ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी की शाखा तल्ली बमोरी में वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन वित्त मंत्रालय के आदेश पर किया गया था। इस कार्यक्रम में जनजागृति स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष मीनाक्षी पांडे, सचिव मंजू कपिल सहित अन्य महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बैंक के सहायक महाप्रबंधक के एम शर्मा ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बैंक की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। द्वारा सभी बैंकों में वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी उपलक्ष्य में हमारी तल्ली जोरी शाखा द्वारा आज एक वित्तीय साक्षरता का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र की महिलाओं ने प्रतिभाग किया और बैंक की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। भारत सरकार की वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम देश भर में चलाए जा रहे हैं। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक में भी इसमें जागरूकता के जन जन तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा है। इसमें आम जनों को सूचित किया जाता है कि अपने से संबंधित कोई भी जानकारी साझा न करें। OTP आदि कोई भी अगर फोन पर पूछता है तो उसको न बताया जाए, इससे 100% सुरक्षित रहा जा सकता है जब इसमें सावधानियां बरती जाएं। मैं नगर निगम से रजिस्टर्ड स्वयं सहायता समूह जनजागृति स्वयं सहायता के अध्यक्ष हूँ मीनाक्षी। सर, मैं ये ग्रामीण बैंक से मेरे समूह का खाता है और नगर निगम द्वारा हमको हर क्षेत्र में काम करने के लिए स्टॉल प्रोवाइड किए जाते हैं और हमको वहाँ से ये प्रोडक्ट बनाने के लिए और अदर चीज़ों के लिए हम लोग को वहाँ से भी लोन मिलता है। रही वहाँ से अगर पास हो जाता है हमारा लोन तो हमें ग्रामीण बैंक से वो लोन। ग्रामीण बैंक द्वारा जो विधिक साक्षरता शिविर जो आज लगाया गया है उसमें हमको उद्योग विभाग को भी आमंत्रित किया गया है और जिला उद्योग केंद्र की जो भी योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री रोजगार योजना और प्रधानमंत्री जी द्वारा जो अभी पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च की गई है छोटे शिल्पकार और कारीगरों के लिए, उनकी जानकारी यहाँ पर दी। यहाँ पर महिला शक्ति की काफ़ी उपस्थिति है।